सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक भी कुछ नया होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना लास्ट तक। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं और फिर कुछ दिन यूज़ करते हैं, उसके बाद वो उसका आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। जब वो फिर से लॉगिन करने जाते हैं तो फिर वो नया अकाउंट बनाना पड़ता है, और ऐसा करते करते आपके फालतू के दो चार अकाउंट बन जाते हैं और आपको तो सिर्फ एक ही यूज करना है, तो बाकी के अकाउंट को तो डिलीट कर देना चाहिए। करना भी क्या है, एक से काम चल रहा है तो फालतू के अकाउंट को रख के फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको डिलीट करना नहीं आता है तो मैं किस लिए बैठी हूँ, वीडियो बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी और फ़ायदा आपका हो जाएगा। तो हुआ ना काम का वीडियो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ऑन कर लेना है। कौन सा? इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। देन सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जान के आपको करना क्या है, आपको हेल्प में जाना। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ करना कैसे है। तो हेल्प में जाना है, तो मैं जाती हूँ हेल्प में। देन आपको हेल्प सेंटर में जाना है, उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में जाना है। देन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आपका, फिर देन मैनेज योर अकाउंट, तो मैं इसे ओपन करती हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है व्हाट्सएप ट्रेंडिंग, तो इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। कौन सा? थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए डिलीट योर अकाउंट, इसमें क्या करना है मैं बताती हूँ, रुकिए। इसमें जाने के बाद आपको सेकंड नंबर पे क्लिक करना है, हाउ डू आई डिलीट क्या है इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये देखिए, इसमें जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये आ रहा है डिलीट योर अकाउंट फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है। देन वापस से जाना है, फिर क्लिक करना है। देन क्रोम में जाना है वापस से। क्रोम में जाने के बाद आपको लेफ्ट में थ्री डॉट दिख रही है, इस पे जाना है। देन जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल, उस पर क्लिक करना है। देन आपकी जो भी प्रोफाइल डिलीट करनी है, जो भी अकाउंट डिलीट करना है, उस पर क्लिक कर देना है। देन लॉगिन करना है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, जो राइट साइड में प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लास्ट वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस पर जाने के बाद आपको लेफ्ट में फिर से आपको सेटिंग में जाना है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको हेल्प सेंटर में जाना है। हेल्प सेंटर के जाने के बाद आपको फिर से सेम रिपीट करना है। मैंने व्हाट्सएप ट्रेंडिंग थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, देन उसके बाद आपको जहाँ भी दिखे डिलीट योर अकाउंट क्लिक कर देना है सिंपली। देन उसके बाद आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र में, देन आपको रीज़न देना है, कोई भी रीज़न वैलिड होना चाहिए। देन चूज़ योर अकाउंट पासवर्ड, पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट कर दीजिए। देन डिलीट योर अकाउंट, देखिए सिंपल हो गया, मेरा अकाउंट तो डिलीट हो गया। आप भी ट्राई कीजिए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नहीं हुआ मुझसे मैं बता दूंगी आपको। सब लोग ना मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि मुझे जुकाम हो चुका है और मेरा गला बहुत ख़राब हो चुका है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये सर्दी जुकाम आजकल सबको चल रहा है, तो आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू।